क्या कीजिएगा दोस्तों, EMI में गाड़ी लिए हैं इसलिए हम लोग को थोड़ा सा दुख झेलना पड़ रहा है, लेकिन आप लोग कभी EMI में गाड़ी मत लीजिएगा। अगर पैसे बजट अगर आपका कम हो तो उससे अच्छा आप सेकेंड हैंड गाड़ी ले लीजिएगा, मतलब अच्छा देख के, लेकिन नया गाड़ी मत लीजिएगा। आज से हम देखिए कान धरा रहे हैं कि नया गाड़ी नहीं लेंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों देखिए, मकई को यहाँ पर निकालिए, मतलब अलग करिए मकई काठी से, उसके बाद समट रहे हैं उसका बाद उसका छिलका को एक साइड कर रहे हैं। दोस्तों ये देखिए कर रही है श्रीकीमा, और इसको हम लोग अभी बोरा में उठा के ना ले जाएंगे बेचने के लिए। दोस्तों अब वो काहे के लिए बेचने के लिए ले जा रहे हैं उसको आप लोग को बताएंगे थोड़ा देर के बाद। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, और वीडियो में नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। चलो जी चलो उठाओ। और हम लोग अभी छत में हैं दोस्तों, आगे आप लोग देख सकते हैं, और देखिए ऊपर से हम लोग का घर का नज़ारा। अभी तो थोड़ा धूप है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, और इधर पूरा देखिए, ये देखिए अमरूद का पेड़ है, और इधर और ये जो छत है वो हम ही लोग का है। ये हम लोग को सरकारी तरफ से घर मिला है दोस्तों, और इसमें रहते हैं और मम्मी अंदर रहती है दोस्तों। अभी एक जगह जमा कर रहे हैं और बोरा में उसको ले जाएंगे, दो बोरा ले जाएंगे दोस्तों। हम लोग का थोड़ा सा ज़रूरी है पैसा का, तो इसलिए हम उसको जमा करवा रहे हैं। तब तक लिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों हम लोग छत में अभी चले हुए हैं, और देखिए हम लोग मकई का दाना को बटोर रहे हैं बेचने ले जाने के लिए, और इसको अभी बोरा में लेके जाके डाल देंगे दोस्तों। और ये देखिए इतना सारा मकई हम लोग का है, और हम लोग मकई को आज क्यों बेचना पड़ रहा है, कहाँ बेचना पड़ रहा है वही बताएंगे दोस्तों। तो ये देखिए अभी श्री की माँ काम कर रही है, तो जल्दी करो जल्दी करो। तो दोस्तों काम कर रही है, उसके बाद अभी जस्ट हम लोग मकई का दाना को हम लोग बीटेंगे बोरा में और ले जाएंगे बेचने के लिए दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों, और वीडियो में नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अभी ये देखिए काम कर रही है, अरे एक बोरा इसको समटो ना, इसको एक बोरा समटो ना, हो जाएगा एक बोरा, दो ही बोरा तो लेना ले जाना ही है, उसके बाद छोड़ दो इसको, चित्राल रहे तो क्या दिक्कत है, जा जा नीचे जा। तो दोस्तों सीढ़ी की माँ को नीचे उतरने के लिए बोल रहे हैं छत से, और देखिए हम लोग सीढ़ी बनाए हुए हैं दोस्तों। ये देखिए किसी से उतरेगा भी, ये देखिए बाँस का सीढ़ी बनाए हुए हैं, और देखिए हम लोग का घर ऐसा है, सो रही है। तो दोस्तों ये देखिए हम लोग झोला में इसको डाल लेंगे, और कैसे उतारेंगे इसको आपको दिखाते हैं दोस्तों। उतना ही उतना, तो इतना ही इतना, हाँ तो पूरा भरने से छेदा भी है झोला, तो छेदा भी है। तो दोस्तों ये देखिए गिरेगा नहीं तो, तो ये देखिए हुक बना लिए हैं, ये देखिए हुक बना लिए हैं दोस्तों, और इसको ऐसा बजाएंगे ऐसा, बहुत बहुत छेदा है, कोई चीज को डालना पड़ेगा। चलो ना चलो, नहीं गिरेगा नहीं गिरेगा, चलो ये देखिए दोस्तों हम लोग का फटा हुआ झोला, आप उतारे तो कैसे उतारे, उतारे ये भी फटल है वो भी फटल है, चलो इसी को फटल है तो फाड़िए देते हैं। नहीं फाड़ा, वो मकई सब उतारने के लिए बनेगा ना वो वाला बड़ा वाला को। तो दोस्तों इसको फटा हुआ जगह में इसको हम डाल रहे हैं, दिखा रहे हैं आप लोग को, हमको दोबारा उझलना पड़ा दोस्तों। ये देखिए अब अभी डालेंगे फिर से, रखिए उधर हम नीचे उतरेंगे तब ना। तो ये देखिए दोस्तों सीढ़ी से उतर रही है, ये देखिए हटो भैया हटो, फिर बच्चे लोग हैं। तो दोस्तों इसको हम अभी झोला में उतारेंगे। अम्मा
ये देखिए ऐसा उतार लिए, असली की माँ उधर ले ली। तो दोस्तों हम लोग मकई का दाना को उतार के ले गए नीचे, अब बोरा हम जा रहे हैं बोरा सीने। दोस्तों चलिए चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों अभी दो बोरा हम भरे हुए हैं, ये देखिए इसको हम जा रहे हैं और सुई और धागा लाने। हाँ थोड़ा सा नहीं भरा हुआ है जो तो उधर रखा हुआ है, तो उसी को भर लेंगे इसमें। और हम लोग इसको काहे बेच रहे हैं उसको भी बता दे रहे हैं दोस्तों। तो ये बाइक ना हम लिए हैं, देख लीजिए मेरा ये बाइक लिए हैं, ये देखिए ये बाइक जो हम लोग को हर मुसीबत में, मतलब हम लोग का मम्मी पापा लोग बीमार उमार रहते हैं या तो कुछ भी रहता है तो हम लोग उस ऊपर के हम लोग लिए। और अभी इसी का एमआई भरना है दोस्तों, इसीलिए हम लोग बेच रहे हैं मकई का दाना को। और आप सभी को साफ से नहीं दिखाई दे रहा होगा, देखिए यही बाइक को। और दोस्तों हम लोग उसको बेच के आज एमआई भर देंगे दोस्तों, इसका आज लास्ट डेट है, आज 1 तारीख है ना दोस्तों, तो भर देंगे। इसलिए हम लोग को मकई का दाना को बेचना पड़ रहा है दोस्तों, यही तो नहीं बेचते हम लोग। और आप सभी दोस्तों को बता दें कि EMI में कभी गाड़ी मत लीजिएगा दोस्तों, कहीं कभी हम लिए हैं और हमें भुगत रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, आज पूरा वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों हम जा रहे हैं सुई धागा लेके आते हैं और इसको पैकिंग करेंगे दोस्तों। आगे देखिए डालो जी, ये देखिए दोस्तों इतना अनाज में हम लोग कितना दिन खाते, फिर क्या करेंगे दोस्तों, गाड़ी कैसे करेंगे बेचना पड़ रहा है। और हम लोग गाड़ी ना मुसीबत में लिए, यहाँ गांव पर किसी से भी मांगिएगा ना दोस्तों तो वो लोग नहीं देते हैं, तो इसीलिए हम लोग लिए हैं किसी तरह कुली कबाड़ी कमा के दोस्तों। आई होप कि आप लोग समझ सकते हैं हम लोग का प्रॉब्लम, तो हो जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए हम जा रहे हैं, तब तक के लिए क्या करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हम सुई और धागा लेके आ गए, अब इसको सीएंगे दोस्तों। हो गया खत्म, ये हो रहा है बस थोड़ा सा, अगर हम गया थोड़ा देखिए दो बोरा बच के पड़े होंगे। तो दोस्तों ये देखिए दो बोरा हम सी लिए, अब इसको ले जा रहे हैं बाइक से बेचने। तो दोस्तों हम अभी लेके जाएंगे, पिछले तो दोस्तों मकई बेच के हम आ गए और अभी मकई का पैसा भी दे दिया, हम लोग का फोन पे में डाल दिया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं फोन पे में कितना में हम लोग का मकई बेचा हुआ पैसा है। दोस्तों आप लोग फोन पे हमें देख ही लिए कि हम लोग का मकई बेचा हुआ कितना है, 2300 रुपया हुआ दोस्तों, 2300 रुपया। तो दोस्तों 2300 रुपया दो बोरा ले गए और 2300 रुपया हुआ, तो इतना में हम लोग को कहाँ से पड़ता पड़ेगा दोस्तों। 18 रुपये किलो मिला हम लोग को 18 रुपया। और जानते हैं दोस्तों हम लोग इसको जब लगा रहे थे, जब रोप रहे थे, तो हम लोग कैसे किलो खरीदते थे बता दो दोस्तों, 260 रुपया। दोस्तों किसान ना, किसान को सभी तरफ से मरण ही मरण है, क्या कीजिएगा दोस्तों। EMI में गाड़ी लिए हैं इसलिए हम लोग को थोड़ा सा दुख झेलना पड़ रहा है, लेकिन आप लोग कभी EMI में गाड़ी मत लीजिएगा। अगर पैसे बजट अगर आपका कम हो तो उससे अच्छा आप सेकेंड हैंड गाड़ी ले लीजिएगा, मतलब अच्छा देख के, लेकिन नया गाड़ी मत लीजिएगा। आज से हम देखिए कान धरा रहे हैं कि नया गाड़ी नहीं लेंगे। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं और श्री की माँ बिछना पर बिछा दी है, और इधर श्री के लिए ला दिए थे ये समोसा, तो खा रही है और देख लीजिए, और श्री की माँ खाना पका रही है दोस्तों, देख लीजिए। तो दोस्तों आज ज़्यादा तो कुछ नहीं है, इतना ही बोलेंगे। आई होप
अगर आपको वीडियो पसंद लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, पर ईएमआई में गाड़ी मत लीजिएगा। बाय।